वहीं उत्तराखंड में भारी बारिश और लैंडस्लाइड के बाद केदारनाथ यात्रा दो दिन के लिए रोक दी गई है। राज्य में 48 घंटे के लिए भारी बारिश का अलर्ट है। इसके चलते एनडीआरएफ की 12 और एसडीआरएफ की 60 टीमें तैनात की गई हैं। केदारनाथ में बादल फटने के बाद पैदल रूट पर लिंचोली और भीमबली में फंसे हजारों लोगों का रेस्क्यू किया गया। इन्हें निकालने के लिए चिनूक और MI-17 समेत 7 हेलीकॉप्टर की मदद भी ली गई। हालांकि 300 तिब्बत यात्री अभी भी वहां पर फंसे हुए हैं। उत्तराखंड में भारी बारिश के कारण हरिद्वार, देहरादून, टिहरी, रुद्रप्रयाग और नैनीताल में अब तक 16 लोगों की मौत हो चुकी है। केदारनाथ के बाद शुक्रवार सुबह सोनप्रयाग में भी लैंडस्लाइड हुआ। इधर मौसम विभाग ने शुक्रवार को 24 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट भी जारी किया है। पूरे उत्तराखंड के अंदर बचाव और राहत के कार्य चल रहे हैं। लगातार सभी विभाग अलर्ट मोड में हैं और सभी को कहा गया है, और मैं स्वयं भी घनसाली गया था, जखनाली गांव में गया था, और साथ में मैं लिमचौड़ी और गुप्तकाशी गया था। वहां पर मैंने सभी चार धाम श्रद्धालु जो केदारनाथ के दर्शन के लिए आए थे उनसे भी मैं मिला हूँ। अभी तक सब मिलाकर जितने लोगों को बचाव किया गया है, राहत की गई है और निकाला गया है, रेस्क्यू किया गया है, लगभग वो संख्या 5,000 है। कुछ को हेली सेवा एयर से निकाला गया है, कुछ को वैसे निकाला गया है, 5,000 किया गया है। और जो लोग अभी बचे हुए हैं लगभग 1,000 के लगभग लोग धाम पर हैं, और मौसम यदि ठीक रहता है तो आज शाम तक सभी को निकाल लिया जाएगा। सर, प्रधानमंत्री जी भी लगातार आदरणीय प्रधानमंत्री जी पूरी तरह से उन्होंने हमको कहा है कि हर तरीके से इस आपदा में हमारे साथ हैं, और सभी संभव सहायता वहाँ से हो रही है, और MI भी वहाँ से हेलीकॉप्टर भी भेज दिया गया है, अन्य सहायता भी जो ATF एविएशन टर्बो फ्यूल है उसकी व्यवस्था भी हो गई है। आदरणीय गृह मंत्री जी भी लगातार संपर्क में, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का भी लगातार जानकारी ले रहे हैं, और पूरा केंद्र की सरकार इस आपदा के समय में हमारे साथ है। हम हर संभव, एक एक तीर्थयात्री, एक एक श्रद्धालु, एक एक आपदा पीड़ित को हर संभव सहायता करवाने के लिए, सहायता के लिए हम लोग प्रतिबद्ध हैं। यहाँ गौचर एयरस्ट्रिप में हमारे पास इंडियन एयरफोर्स के चिनुक और MI-17 कल ही लैंड कर गए थे। कल MI-17 ने कल यहाँ पर उड़ान भी भरी, पर वेदर वहाँ पर अब ठीक नहीं था तो वो मिशन अबॉर्ट किया गया। आज सुबह से हम सब तैयार थे और MI-17 के द्वारा एक उड़ान भरी गई थी। उस उड़ान से हमने 15 लोगों को वहाँ से रेस्क्यू किया गया है, और साथ में हमने यहाँ पर NDRF के जो पर्सनल हैं उनको भी यहाँ वहाँ एयरलिफ्ट किया गया है। अभी कर यहाँ ग्राउंड में तो यहाँ पर पोजीशन यहाँ ठीक है, यहाँ वेदर भी ठीक है, क्लियर स्काई है, क्लियर है, पर केदारनाथ में अभी वेदर आपका इंक्लीमेंट है, अभी वो इतना मतलब उड़ान भरने लायक नहीं है। अपडेट ली जा रही है, जैसे जैसे अब हमें आपका अपडेट मिलेगी, अगर वहाँ अपडेट मौसम ठीक रहता है तो अब ये दोनों चौपर आपका दोबारा उड़ान भरें। मैं पुलिस उपाधीक्षक गुप्तकाशी हर्षवर्धन से मैं आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि जितने भी यात्री हमारे यहाँ बारिश के कारण प्रभावित है वो सभी सुरक्षित जगह पे और जगह जगह पर हमारा रेस्क्यू प्रोग्राम चल रहा है। आप देख रहे हैं लिंचोली में, भीमबली में, गौरीकुंड में, जंगल चट्टी में और सोनप्रयाग क्षेत्र में भी हमारा रेस्क्यू प्रोग्राम चल रहा है। जगह जगह से हमने कल भी 3-4 हज़ार करीब यात्रियों को हमने निकाला था, आज भी हमारा ये कंटिन्यू चल रहा है प्रोग्राम, और जगह जगह पर अभी भी कई कई जगह पर लैंडस्लाइड हो रहा है। बट हमारे सभी यात्री जो हैं सुरक्षित स्थानों में हैं, उनको फूड पैकेट्स आदि प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। तो मैं आप सभी से अनुरोध करूंगी कि अगर आपके कोई परिचित जो आपसे जिनसे आप कॉन्टैक्ट नहीं कर पा रहे उनका जो आप नंबर नाम हमारे डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल को नोट करवाइए, हमारा जो आकस्मिक हमने जो इमरजेंसी नंबर दिया है उसमें अपना डिटेल शेयर करें, और आपके सभी जितने भी यात्री हैं सब सभी सुरक्षित हैं, उनको प्रॉपर खाना मिल रहा है और किसी भी तरह की भ्रामक सूचनाएं सोशल मीडिया में प्रसारित हैं।